हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी चारो। और ये रीडिंग है इस बारे में, इनो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये पर्सन क्या सोच रहा है, लाइक क्या इनका अगला कदम होने वाला है। सो ये रीडिंग स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए है जिनके बीच में बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट है, और आप बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे कि ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहा या इनका अगला कदम क्या होने वाला है। बेसिकली आप पूरी तरीके से डार्कनेस में हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन से। मैसेजेस फॉर कैंसर। फोर ऑफ चैलिसेस, The Wild Hunt, Nine of Wands, The Green Man, and Knight of Pentacles. Okay. So, हमारे पास है The Green Man. The Green Man के यहाँ होने का मतलब है कि ये person actually ये imagine कर रहा है already कि किस तरीके से वो अपने फ्यूचर के ड्रीम्स को एक रियलिटी बना सकते हैं। मतलब ग्रीन मैन के कार्ड को देखिए, यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली है, एक अच्छा खासा एनवायरनमेंट है, और ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों के बीच जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो जल्दी ही रिमूव हो। आई थिंक ये किसी गलत फैमिली की वजह से हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ द वाइल्ड हंट। तो आप एक ऐसे स्टेट से गुजरे हो सकते हैं जहां पे आप दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, एंड आउट ऑफ नोवेयर ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ जैसे कि बदल गया हो। ये पर्सन बिल्कुल अलग बिहेव करने लगा, या कुछ ऐसा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। सो द वाइल्ड हंट के पीछे कोई भी रीजन हो सकता है, बट स्पेसिफिकली मुझे यहां लगता है कि ये पर्सन अपने आप को डिफेंड कर रहा था, क्योंकि फोर ऑफ चैलिसेस के पास इस पर्सन को अच्छी तरीके से पता था कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, और फिर भी ये वो चीज आपको नहीं दे पाए, ये वो कमिटमेंट आपको नहीं दे पाए, उस तरीके की सिक्योरिटी आपने कभी महसूस नहीं की इस रिलेशनशिप में। तो ये पर्सन ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि कुछ ऐसा भी है जो वो नहीं कर सकते हैं आपके लिए, एंड शायद इसलिए इस पर्सन ने कोई एक्सक्यूज यूज किया आपसे दूर जाने के लिए, या अचानक ही आपसे दूर चले गए। सो ये वो पर्सन है जो एक्चुअली आपसे दूर नहीं जाना चाहता था। ओके, ये पर्सन जानता है कि आप उनके लिए परफेक्ट है, इस रिलेशनशिप को वो इस तरीके से नहीं लूज करना चाहते थे, बट उन्होंने कुछ चीजें शायद जानबूझिए की किसी रीजन को यूज किया ताकि वो आपसे दूरी बना सके, सो दैट उनपे से ब्लेम हट जाए और ये बात आपके नोटिस में ना आए कि एक्चुअली ये पर्सन इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। तो ये पर्सन अपनी इस कमी को छुपाना चाहता था, और इसीलिए इन्होंने शायद किसी और पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी। हो सकता है इस पर्सन ने आप ही की कोई कमी निकाली हो कि इसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको इस तरीके से चीजों को चेंज करना चाहिए अपने लाइफ में, सो दैट आपका ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सके। दूसरी तरफ इस पर्सन ने हो सकता है किसी फैमिली मेंबर या किसी और पे ब्लेम डाला हो कि चूंकि इन लोगों की सहमति नहीं है तो हम इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस पर्सन ने जैसे लगता है कि कोई रीजन ढूंढ लिया अपने इस कमजोरी को छुपाने का कि वो एक्चुअली फेल हो रहे हैं एज अ लवर, कहीं ना कहीं वो आपको कमिटमेंट देने में फेल हो रहे हैं, और इस चीज को वो नहीं चाहते थे कि आप समझें या इसके लिए आप उन्हें ब्लेम करें। बट अब नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन सोच रहा है कि क्या वो वाकई में इतने कमजोर हैं, क्या वो वाकई में इन चीजों को छुपाकर बच सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने अपनी इन चीजों को आपसे छुपा लिया हो, दूसरों से छुपा लिया हो, बट वो जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो जानते हैं कि वो एज अ लवर फेल हुए हैं और उन्हें चीजों को ठीक करने की जरूरत है। तो नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ अभी भी ये पर्सन इस रिलेशनशिप के आइडिया पे गिव अप नहीं कर पाया है, क्योंकि द ग्रीन मैन के साथ इस पर्सन को आप ही के साथ अपना फ्यूचर परफेक्ट नजर आ रहा है, आप ही के साथ इन्हें वो मेमोरीज और वो ड्रीम्स क्रिएट होते दिखाई दे रहे हैं जो ये हमेशा से क्रिएट करना चाहते थे।
सो बेसिकली ये पर्सन आपको रिप्लेस करने के बारे में सोच भी नहीं पा रहा. एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे. ये पर्सन वैसे भी काफी स्लो मूविंग एनर्जी है और इन्हें काफी वक्त लगता है कोई भी डिसीजन लेने में. और वही यहाँ पे भी हुआ, ये पर्सन कोई डिसीजन ले नहीं पा रहा था. उन्हें पता है कि आप दोनों ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में इतना टाइम तो स्पेंड कर ही चुके हैं कि उन्हें अपने इंटेंशंस को क्लियर करना होगा. आपको ये बताना होगा कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो इस रिलेशनशिप को लेके सीरियस है भी या नहीं. तो ये पर्सन काफी कंफ्यूज हो गया, जैसा कि मैंने कहा कि ये जल्दी कोई डिसीजन ले नहीं पाते, और इसलिए इन्होंने इस तरीके का एक्सक्यूज चुना कि वो खुद को बचा सके. इस एक्सक्यूज के कारण ही वो आपसे इस वक्त नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन बनाए हुए हैं, क्योंकि वो आपको कमिटमेंट दे नहीं सकते, अपने आइडियाज को वो फॉलो कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने ये सिचुएशन चुनी. बट इस सिचुएशन को चुनने से उनकी सोल या उनका जो दिल है वो सेटिस्फाइड नहीं है. उनका दिल और उनकी सोल दोनों ही आपके बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं. तो ये पर्सन जानता है कि चाहे वो कितना भी कोशिश करें वो आपकी तरफ बढ़ेंगे जरूर. उन्हें पता है कि उनका माइंड उन्हें ट्रिक कर रहा है. ऑल्सो कहीं ना कहीं इस बात को लेके गिल्ट भी महसूस हो रहा है और बुरा भी फील कर रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस सिचुएशन में डाला कि वो अपने आप को बचा सके, अपनी खामियों को छुपा सके. और कहीं ना कहीं इस कमी के कारण भी इनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है. ओके, उन्हें लग रहा है कि वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि अपने वादे को पूरा कर सकें. और वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर इतना परफेक्ट रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पाया तो फिर और क्या वर्क करेगा. उन्हें अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है, उन्हें ज्यादा प्रैक्टिकल और स्ट्रांग होने की जरूरत है ताकि वो अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सके. सो ये सारी बातें इस पर्सन को चैन से बैठने नहीं दे रही और वो लगातार ये सोच रहे हैं कि उन्हें अपने आप को प्रूव करना होगा, उन्हें आपको ये शो करना होगा कि आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, और खुद को भी ये प्रूव करना होगा कि जब जरूरत पड़ेगी कोई स्ट्रांग डिसीजन लेने की तो वो लेने के लायक हैं. ओके, सो ऑफकोर्स ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी. एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए. कैंसर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ चालीसेस, टू ऑफ एडम्स, नाइन ऑफ एडम्स एंड क्वीन ऑफ चालीसेस. ओके, सो टू ऑफ एडम्स का कार्ड है. टू ऑफ एडम्स के यहाँ होने का मतलब है कि ये पर्सन अभी भी बटा हुआ है दो डायरेक्शंस में, दो आइडियाज के बीच. और ये चीज इस पर्सन को बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन में रखी हुई है. नाइन ऑफ एटम्स देख रहे हैं आप, ये पर्सन किसी बात को लेके बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा है, बहुत हर्ट है. और अब उन्हें लग रहा है कि जैसे उनकी इस गलती ने उन्हें आपसे दूर कर दिया है, और अब ये पर्सन सोच रहा है कि कैसे वो अपनी बात को वापस ले, कैसे चीजों को ठीक करें. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो ये पर्सन जानता है कि आप स्मार्ट है, आपके पास विजडम है, तो यूं ही वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते. बट देन आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ साथ क्वीन ऑफ चैलेंजेस भी हैं, तो इस पर्सन को ये उम्मीद है कि आप चूंकि इतना बड़ा दिल रखते हैं तो उन्हें जरूर माफ कर देंगे एंड उनकी बात को समझेंगे. पेज ऑफ चैलेंजेस का कार्ड यहाँ पे होने का मतलब है कि ये पर्सन जैसे लग रहा है कि अकेला सा महसूस कर रहा है. ओके, अपने अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी सिचुएशन क्रिएट की, जो इन्हें चाहिए था इन्होंने चूज किया, और अब उसके बाद भी ये पर्सन अकेला है तो सोच रहे हैं कि किस तरीके से वो इस अकेलेपन को खत्म करें. उन्हें पता है कि ये अकेलापन क्यों है और इसे क्या खत्म कर सकता है. तो ये पर्सन जरूर कुछ ना कुछ तो स्टेप लेने वाला है. चलिए देखते आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है. Faith, humanity and benevolence. Take calm, trust the good in yourself and others. See the light in world. So, ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप बस थोड़ा वेट कीजिए और अपने अंदर की अच्छाइयों पे फोकस कीजिए और दूसरों के अंदर की अच्छाइयों पे भी. इसका मतलब है कि ये पर्सन जरूर आपको अप्रोच करने वाला है. एंटारो आपसे कह रहा है कि
आपको पॉजिटिव साइड पे फोकस करना चाहिए, और जो भी लाइट आपके आसपास है और आपके अंदर है उस पर ट्रस्ट कीजिए, अपने इंट्यूशन पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट कीजिए। जल्दी ही चीजें आपके फेवर में बदलेंगी। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट में उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।